बचा 2.1 क्वेश्चन नंबर 4, उसी को स्टार्ट करेंगे जो हम कर रहे थे नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 में वो हमें बता रहे हैं कि आपने नेचर फाइंड करनी है। नेचर फाइंड करने के बाद अगर नेचर आ जाए इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी नेचर आए या कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या था, हमने कल पढ़ा था, अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है जिसको हम डाटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं अगर वो लेस देन जीरो आ जाए, मीन नेगेटिव आ जाए, अगर नेचर जो है वो लेस देन जीरो नेगेटिव आ जाए, क्वेश्चन में 4 में वो कहते हैं अगर ये ऐसा हो जाए तो आपने फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए हमने 3 मेथड पढ़े थे पहले चैप्टर में, फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्केल और क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो फैक्टराइजेशन है ना, वो फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है ना सबके लिए अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जो फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन सिर्फ उन्हीं के ऊपर अप्लाई हो सकता है मेथड जिनका आंसर जो है वो रियल नंबर है, जिनका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ना आए, ठीक है, जिनका रियल नंबर में आए, फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है, इस तरह। तो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उसका पहला क्वेश्चन है 2x² + 5x - 3 = 0। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि आया हमारा जो नेचर है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो इमेजिनरी है, अगर तो इमेजिनरी है मीन नेगेटिव आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, तो फिर तो हम इसके रूट भी फाइंड करेंगे, अगर आंसर कॉम्प्लेक्स या नेगेटिव नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर हम यहीं पे छोड़ देंगे उसको, ठीक। चलिए फिर सबसे पहले हम देखेंगे ए क्या है हमारा, एक्स के का कोएफिशिएंट ए, बी एक्स का कोएफिशिएंट बी, सी कांस्टेंट है -3 तो -3, अगर यहां +3 है तो सिर्फ 3 लिखते, ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करते, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac, बी की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है -3, 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8 8 3 24, तो कितना आ गया 49। तो ये जो रिजल्ट आया है ये लेस देन जीरो नहीं आया, मीन नेगेटिव नहीं आया, ये नेगेटिव नहीं आंसर आया, यानी कि ये जो आंसर आया है ये इमेजिनरी नहीं है, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि ये रियल है, ठीक है, ये क्या है, रियल भी है और देखें एक और चीज, ये कंप्लीट स्केल भी है, तो इसका मतलब हुआ जो कंप्लीट स्केल है उसे क्या बोलते थे हम, रैशनल, रैशनल भी है और ये जीरो के इक्वल तो नहीं है ना, इसलिए ये इक्वल अनइक्वल भी है, इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि ये इमेजिनरी नहीं आया, कॉम्प्लेक्स नहीं आया, आंसर नेगेटिव नहीं आया, लिहाजा हम इसके रूट फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या कहा है, अगर जो हमारी नेचर है वो आ जाए इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स आ जाए, फिर आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं, रूट्स मीन एक्स के जो दो आंसर आएंगे पावर 2 है, दो आंसर आएंगे वो फाइंड करने हैं, तो चूंकि यहां पे आंसर नेगेटिव नहीं आया लिहाजा हम इसके रूट फाइंड नहीं करेंगे, तो ये यही कर दिया। अगला देखते हैं दूसरा, हाँ दूसरा ये करते हैं, अब
दूसरे में क्या है? दूसरे में है 8x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए फिर इसी तरीके से a कितना है हमारा 8, b कितना है माइनस 4 और c कितना है हमारा 5। a b और c, चलिए डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है माइनस 4 का स्क्वायर 4, a कितना है 8 और c कितना है 5, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 4 का 16 माइनस, और इन सबको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा हमारे पास 160 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास, अब माइनस 160 में से 16 निकालें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया हमारे पास 140, ये लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया ना, तो इसका मतलब हुआ ये क्या है, इमेजिनरी आ गया। नाउ वी फाइंड रूट्स, अब हम क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे क्योंकि आंसर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो उन्होंने ये कहा था क्वेश्चन नंबर 4 में कि अगर आंसर इमेजिनरी आता है तो हम क्या करेंगे, उसके रूट्स फाइंड करेंगे। अच्छा, रूट्स फाइंड करने के लिए हमें पता है कि इसके ऊपर क्योंकि आंसर इमेजिनरी आ गया, इमेजिनरी मीन कॉम्प्लेक्स आ गया, तो अब हम इसके ऊपर फार्मूला उन तीनों तरीकों में से जो हमने पहले चैप्टर में पढ़े थे, फैक्टराइजेशन एक क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीट्स के, और हम यहां पे फैक्टराइजेशन तो लगा नहीं सकते क्योंकि फैक्टराइजेशन में कभी भी आंसर इस तरह का नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, चलिए बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीट स्केल भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, कंप्लीट स्केल भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए जो चीजें हमें चाहिए होती है ना, ए बी सी, वो सारी हमारे पास मौजूद है, इसलिए हम वही लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वेरिएबल एक्स है हमारा, तो लिखा एक्स इक्वल फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और सबके नीचे कितना है 2a, और ये फ्रैक्शन जो है ना ये माइनस से शुरू होती है, इज इक्वल टू माइनस बी की माइनस बी, बी कितना है माइनस 4 है, बी कितना आ गया माइनस 4 प्लस माइनस, अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लेके आए हो, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का पूरा आंसर हमारे पास आया, वो कितना है माइनस 144, कितना है वो माइनस 144, ये पूरा उसकी जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह सारा वही वैल्यू लगा दी जो हम निकाल के लेके आए। ठीक, और नीचे कितना आ जाएगा 2 × 8। ठीक, अब आगे इधर आ जाते हैं, अब इसको अब वेरिएबल क्या, एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 आ गया और प्लस माइनस, अच्छा हमें पता है अंडर रूट के अंदर अगर माइनस हो तो उस अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं रहना चाहिए ना, तो अंडर रूट को माइनस बाहर निकालने के लिए बाहर रेगुलर लगाते हैं, तो इसे लफ्ज मैं इधर लिख देता हूँ, क्या अंडर रूट के अंदर कभी माइनस नहीं होना चाहिए, तो ये माइनस है तो इसको लिख दिया माइनस 1 और ये क्या लिख दिया 144, अब और कितना है 16, फिर देखते हैं 4 प्लस माइनस माइनस 1 आयोटा स्केयर और 144 किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर, नीचे कितना आ गया 16, तो इधर कितना आ गया 4 प्लस माइनस और 2 और रूट कट गए सारे, तो क्या बाहर आ गया 12 और आयोटा, नीचे कितना है 16 है, ऊपर से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक, 4 कॉमन लिया, कॉमन लेने का इधर 1 रह गया और प्लस माइनस 4 3 से 12 यहां 3 आ गया और आयोटा, और नीचे कितना था हमारे पास 16, 4 4 16, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारा हमारे रूट्स आ गए, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं ऐसे, x इक्वल टू 1 प्लस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास इसके रूट्स आ गए, तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास
सॉल्यूशन साइड पर क्या हम लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड रूट्स जो है हमारे पास वो क्या आ गए हैं, हमारे पास वो हमारे पास आ गया एक 1 + 3a/4 और एक आ गया 1 - 3a/4 ये रूट आ गए। और ये रूट्स हमने अब बताया कि 1 में 3 तो प्लस हो सकता है, 3 होता तो नहीं प्लस हो सकता, इसलिए ये ऐसे ही बड़ा रहेगा ना, ये 1 - 3 होता है क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी और रियल को हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा फिर समझते हैं, क्वेश्चन 4 में उन्होंने कहा था कि आप इनके इनकी नेचर फाइंड करें, इनको आइडेंटिटी क्वेश्चन के जो 5 जवाब उसने दिए हैं, अगर नेचर आ जाए इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, यानी आंसर हमारा क्या आ जाए नेगेटिव, अगर आ जाए डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए यानी कि इमेजिनरी आ जाए, तो फिर आपने उसके रूट्स फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला, क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए जो चीजें चाहिए होती है ना वो हमारे पास पहले से मौजूद थी, ठीक है, ए बी सी चाहिए वो हमारे पास पहले से मौजूद है, उसके बाद ये पूरा b² - 4ac अंडर रूट के अंदर वो हमारे पास पूरा मौजूद है, इसलिए हम इसी मेथड को तरजीह देते हैं, ठीक है। जो फैक्टराइजेशन है वो तो इसके ऊपर अप्लाई हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, क्योंकि फैक्टराइजेशन में जो भी आंसर आता है वो रियल आता है, इमेजिनरी नहीं आता, ठीक है, आंसर उसका इमेजिनरी नहीं आता, कंप्लीट स्केल मेथड हम ये अप्लाई कर सकते थे लेकिन उसके लिए हमें चीजें नहीं पता, तो इसलिए हम क्या करिएगा कि ये जो पता है वैल्यूज ये लगाने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया आपने हर इजी और इस तरह, ठीक। तो ये और यहां से हम -144 है ना, इस माइनस को खत्म करने के लिए बाहर उल्टा लगा सकते हैं, यानी कि ये जो स्टेप है ना ये स्किप भी कर सकते हैं आप, यहाँ से ये दो स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। अब क्या करें, इस माइनस को खत्म करने के लिए बाहर क्या लगा दें, उल्टा लगा, ठीक है, यानी कि अंडर रूट से माइनस को हमेशा गायब करना है, ये ऐसे ही। तो इसका अगले वाले पार्ट ये ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 5 भी तीसरे की तरह गई है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तीसरे में भी उन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहां पे भी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के ही है, ठीक है, उसी तरीके से करेंगे, यानी कि हम डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू 0 करने के बाद हम क्या करेंगे उसको, क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू आपने करनी है फाइंड, ठीक है, और जब भी किसी की वैल्यू फाइंड करनी है और डिस्क्रिमिनेंट का वाला उसने दिया तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करके तो के की वैल्यू निकालेंगे, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में किया। पहला पार्ट देखते हैं, पहले पार्ट में यह दिया है के प्लस 1 x² + 2x + 3 = 0। उसी तरीके से क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट लेना पहले तो क्या आ जाएगा, फिर ए क्या है हमारा एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, k + 1 तो ए है k + 1, एक्स के साथ 2 तो बी कितना है हमारा 2 और कॉन्स्टेंट 3। चल डिस्क्रिमिनेंट is equal to क्या आ जाएगा b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है 2 2 का square - 4, a की वैल्यू कितनी है k + 1, ये k + 1 लगाया, into c कितना है 3। चलिए 2 का square 4 - पहले 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 4 3 12 और k + 1 इधर ही पड़ा रहेगा, अब 4 - 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12k और 12 माइनस है अंदर का साइन चेंज हो गया तो 12 1 12। अब ये दोनों रियल पार्ट है इनको प्लस माइनस कर दें, 4 - 12 तो माइनस का 8 आ गया हमारे पास और ये माइनस का 12 है 8 माइनस 12 प्लस का 4 है, ठीक है, माइनस 12 माइनस 8 माइनस 12। अब हम 8 में 12 प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ k लगा हुआ है, ठीक है, चलिए यहां तक हम रुके हैं, आगे हम मजीद नहीं कर सकते, तो अब हमें पता है देयरफॉर के की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा क्या किया करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो जहां डिस्क्रिमिनेंट है उसके नीचे क्या लिख दिया,
जीरो इज इक्वल टू कितना है माइनस एट और माइनस ट्वेल्व के। अब के निकालना है तो माइनस ट्वेल्व के है उधर जाके वो प्लस ट्वेल्व के हो जाएगा, दे आ गया ट्वेल्व के इज इक्वल टू इधर क्या पड़ा रहा माइनस एट। अब ट्वेल्व मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ तो इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस टू ओवर थ्री। ये हमारे पास के की वैल्यू है, ठीक है। अब इसका आप पार्ट देख लेते हैं, ये बिल्कुल पहले की तरह के इसका फोर पार्ट देख लेते हैं। फोर पार्ट में क्या है एक्स के माइनस टू के प्लस वन एक्स और प्लस का कितना है वन इज इक्वल टू जीरो। यहां पे भी उन्होंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, चलिए फिर इसी तरीके से फिर ए कितना है हमारा एक्स के तो क्वेश्चन वन ए वन, बी कितना है हमारा एक्स का क्वेश्चन ये सारा साइन के साथ ये माइनस है तो लिखा माइनस टू के प्लस वन और सी कितना है हमारा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको हम करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट है उसी तरीके से डिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। चलो बी की वैल्यू कितनी है माइनस टू के प्लस वन और सारे का स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह वन और सी की जगह भी क्या लगा दिया वन। चलिए हमें पता है कि ये जो माइनस है ना बार माइनस वो स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या रह गया हमारे पास 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 4 वन सा 4 आ गया। अब हमें पता है कि ये दो रकम है और ऊपर स्क्वायर है तो दो रकम का स्क्वायर पूरा खोलते हैं तो क्या आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर हमेशा प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड और 4 दे रहा है इसके पूरा खोला, ठीक है। क्योंकि दो रकम ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इनटू फर्स्ट इनटू सेकंड। अगर यहां माइनस होता तो यहां माइनस आ जाता, यहां हमेशा प्लस रहता, ठीक है स्क्वायर। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं तो 2 का 4 और k का k स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहां कितना आ जाता 4k और ये कितना है माइनस का 4 आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि 4k स्क्वायर आ गया, ये 4k आ गया और ये माइनस हो रहा है और ये प्लस का वन है, ये दोनों रियल नंबर है इनको प्लस माइनस किया जा सकता है तो क्या आ जाएगा माइनस का 3। अब हम जीद के स्क्वायर में के वाली रकम या माइनस ए प्लस माइनस नहीं कर सकते, यहीं तक हम रुके हैं, ठीक। अब जो कि हमने निकालना है वैल्यू ऑफ के, यहाँ पर अगर 2 आ गई है मैक्सिमम तो इसका मतलब है इसके दो आंसर आएंगे, के की दो वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो के की दो वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे देयरफॉर डिस्क को किसके इक्वल पुट करेंगे हम जीरो के इक्वल, किसके इक्वल पुट करेंगे जीरो के इक्वल पुट करेंगे और जीरो के इक्वल पुट करने के बाद हम क्या करेंगे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना, क्योंकि हमें पता है जब मैक्सिमम पावर 2 आ जाती है ना तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें उन तीन त्रिकोण से कोई तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, या फैक्टराइजेशन लगानी पड़ेगी या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा या कंप्लीट स्केल लगाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला उन तीनों में से ज्यादा इजी है तो वही लगा हम क्या करते हैं के की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 3 इज इक्वल क्या लगा दिया जीरो लगा दिया। अब क्या करेंगे यहां से हमें उन तीनों तरीकों में से कोई तरीका एक इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम निकालते हैं देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं k की वैल्यू हमारा मकसद क्या है k की वैल्यू निकालो। चलो ये तो हो गया देखो इधर से 4k का स्क्वायर है प्लस 4k है माइनस 3 है इज इक्वल टू 0। अब हम यहां पे क्या करेंगे k निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हम नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ k by using quadratic formula, यानी कि हम वैल्यू निकालने के लिए क्या अभी ये तो हमने डिस्क्रिमिनेंट ले लिया, यहां तक तो हमने डिस्क्रिमिनेंट लिया ना, ये ए बी सी हमने डिस्क्रिमिनेंट के लिए इस्तेमाल किया। अब यहां पे क्या निकाला हमने
के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, तो जो हमारा ए है वो क्या है यहाँ पे 4, जो बी है यहाँ पे वो भी 4, और जो सी है वो हमारा कितना -3। चलो तो वेरिएबल के हमने निकालना है अभी, तो के निकालना है तो के लिखेंगे यहाँ, एक्स होता तो एक्स लिखते, वाई होता वाई लिखते। चलो तो फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और सबके नीचे कितना आ गया 2a। चलो माइनस बी की जगह क्या लिखूं 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 4, a की जगह 4, c की जगह -3, नीचे कितना आ गया 2 × 4। चलो ये -4 प्लस माइनस 4 का 16 माइनस माइनस प्लस 48 आ गया, और नीचे कितना आ गया 4 × 8। अब देखो -4 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 64, नीचे कितना आ गया 8, और -4 प्लस माइनस 64 बाहर आके कितना बन जाएगा 8, नीचे कितना आ गया 2, ये k आ रहा है। ठीक है ना, ये k वेरिएबल है, तुमने अपने k की वैल्यू निकाल दी k। चलो अब इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 -8 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 में से 4 बाकी 4 4 ओवर 8, 4 1 जा 4 2 जा, तो एक आंसर क्या आ गया, k की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास 1/2। अब यहां -4 -8 माइनस कट कर, और दूसरा क्या आ जाएगा 3/2, तो आ जाएगा -3/2, तो एक हमारा आंसर ये है, k भी आ गया दूसरा। ठीक है, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हमने क्या किया, जो क्वेश्चन उन्होंने दिया डिस्क्रिमिनेंट लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप k की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं जिस वक्त आप उसके डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट लिया, डिस्क्रिमिनेंट लेने के बाद a देखा ये 1 है, b देखा ये सारा b है और ये c है। ठीक है, साइन का ख्याल रखना है, ये माइनस है तो माइनस लिखा गया, और ये ब्रैकेट है तो इसलिए ब्रैकेट लगा है। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला वही बी स्क्वायर माइनस 4, उन्होंने यहां मैं कहा कि के की वैल्यू आपने कैसे निकालनी है, नेचर फाइंड करने के बाद निकालनी है। ठीक है, यहां कोई कंडीशन नहीं है कि डिस्क्रिमिनेंट ये आएगा रियल या इमेजिनरी आएगा तो फिर आप के निकालें, यहां उन्होंने कहा कि आपने के निकालना है निकालना है। ठीक है, जो भी आपकी नेचर है, तो 4k स्क्वायर प्लस यहां तक आप बिल्कुल स्टॉप कर दें, आगे हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, ये k स्क्वायर के ये कठिन नहीं हो सकती, तो डिस्क को किसके इक्वल पुट किया, 0 के इक्वल पुट किया। तीसरे क्वेश्चन में भी ऐसे ही था कि जब भी आपने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, अननोन मीन k है यहां, इन तीनों क्वेश्चन में क्वेश्चन 3 में क्वेश्चन 5 में अननोन k है हमारा, तो k की वैल्यू जब आपने फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करनी है, डिस्क को किसके इक्वल पुट करके, 0 के इक्वल पुट करके। ठीक है, इससे जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमने ये फार्मूला नहीं लगाया था, उसके पीछे वजह क्या थी कि वहां जो k आता था हमारा इक्वल टू 0 करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आती थी उसमें k की मैक्सिमम पावर 1 नहीं थी, लीनियर थी वो, यानी कि स्केल वाला कोई नहीं था हमारे पास, इसलिए वहां से k की वैल्यू हमारे पास 1 ही आई थी दूसरी में। तो ऐसे ठीक है, पांचवा ये। अच्छा, क्वेश्चन 6 है, शो दैट द रूट्स ऑफ दीज इक्वेशंस आर रियल इफ पॉसिबल, यानी कि यहां हमने ये साबित करना है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन जो है कि जो आंसर है हमारे वो रियल है। अच्छा, रियल का क्या मतलब है, रियल का मतलब है कि आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, किसमें आएगा आंसर, पॉजिटिव। अच्छा देखते हैं आप आंसर पॉजिटिव है, एक चीज जरा हमने गौर करनी है, देखिए गौर से, रियल का मतलब है कि आंसर किसमें आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट भी एक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, एक क्या पढ़ा था हमें पता है, डिस्क्रिमिनेंट को शो किया जाता है किससे, डेल्टा से भी लिखा जाता है, तो हम आसानी के लिए डिस्क ही लिख देते हैं। ठीक है, तो डेल्टा, अगर डेल्टा का आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नेचर है ना, वो है रियल। रियल का मतलब क्या है, पॉजिटिव आंसर है। ठीक, एक और चीज याद रखनी है आपने हमेशा कि ये है ए,
a माइनस बी। अब हमें a कभी नहीं पता, b कभी नहीं पता, ये दोनों अननोन है ना, a और b दोनों अननोन है, अननोन है, इनका नहीं पता क्या है। ठीक है, फर्ज करते हैं a हमारा 5 है, b हमारा 7 है, b हमारा 2 है। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 में से 2 बाकी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, पॉजिटिव आया आंसर। तो ये रियल आ गया, ग्रेटर देन 0 मीन रियल आ गया हमारा। फर्ज करें a हमारा 2 है, b हमारा 5 है। ठीक है, अब आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस की बड़ी है, माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अब ये जो आंसर है, सॉरी, ये 3 ग्रेटर देन 0 है, मीन ये पॉजिटिव है, रियल है। यहां क्या है आंसर, क्या आया, माइनस 3 आया, तुमने माइनस की बड़ी, माइनस 3 आया, माइनस 3 मीन लेस देन 0 आ गया, तो ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब है ये किस में आ गया, इमेजिनरी में आ गया। लेकिन याद रखना आपने हमेशा, अगर a माइनस बी का होल स्केयर आ गया, होल स्केयर आ गया, तो होल स्केयर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसे, ये देखो 5 माइनस 2 का होल स्केयर है, तो 3 का होल स्केयर, ये तो पहले पॉजिटिव है, तो ये 9 आ गया पॉजिटिव। यहां पे भी देखें, माइनस 3 आ गया ना, माइनस 3 का स्केयर लेंगे तो हमें पता है माइनस का स्केयर पॉजिटिव हो जाता है, तो 3 का स्केयर 9 आ गया, तो 9 भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। मतलब समझाने के लिए है कि जो भी होल स्केयर में आंसर आएगा, जो भी होल स्केयर वाली टर्म होगी वो हमेशा रियल होगी, जो होल स्केयर वाली है वो हमेशा क्या होगी, रियल होगी, यानी कि उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, होल स्केयर, तो होल स्केयर, जब भी होल स्केयर वाली कोई भी टर्म आ जाए वो हमेशा रियल होती है। ठीक है, तो मैंने यहां बताया आपको कि माइनस का स्केयर लें या पॉजिटिव का स्केयर लें, हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो हमने ये साबित करना है कि वो रियल। अब जो क्वेश्चन लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें उन्होंने क्या कहा, उसका दूसरा पार्ट ही करेंगे, एक ही पार्ट करेंगे, पहला नहीं करेंगे। दूसरे पार्ट में क्या है ना, 3x² - 6x + 3 = 0। ये पहले क्वेश्चन की तरह का ही है, पहले दो क्वेश्चन जो है ना, यानी कि हमने सिंपली क्या फाइंड करनी है, इसकी नेचर फाइंड करनी है, तो हम नेचर आंसर आएगा रियल, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये क्या है, रियल। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 में ये बताया कि साबित करेंगे इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल। ठीक है, रियल है रूट्स, तो फाइंड करने कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। a कितना है 3, b कितना है -6, c कितना है 3, तो नेचर फाइंड करने के लिए हमें d स्क्वायर देनी पड़ती है, तो क्या आ जाएगा, b² - 4ac। b कितना है -6² - 4, a कितना है 3, c कितना है 3, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 6 का कितना आ गया 36, माइनस 24 आ गया, नहीं ये भी 36 आ गया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आंसर आ गया, 0 आ गया, माइनस का प्लस और ये तो नेगेटिव तो नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इसकी जो नेचर है वो क्या आ गई है, इक्वल आ गई। ठीक है, उसी तरीके से -6 36 चलो और ये इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये रूट क्या आ गई है हमारे, इक्वल आ गए। ठीक है, उसने इसीलिए लिखा हुआ था इफ पॉसिबल, तो सिंपली हमने क्या फाइंड करनी थी, नेचर फाइंड करनी थी, और कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।